राजू के बारे में तो आप जानते ही होंगे, नहीं जानते तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है पार्ट वन और पार्ट टू का, जाके देख लो। तो राजू अपना नाम राजवीर रख चुका था और वो सीधा माउथ हाउस के किंग के पास जाता है और बोलता है, ओ विजय जी कैसे हैं आप लोग, चलिए जल्दी जल्दी माउथ हाउस खाली कर दीजिए, पूरी दुनिया को हमने लाइन में लगा दिया, आप कौन सी बड़ी चीज़ है, स्वीकार कर लीजिए इस गुलाब को और माउथ हाउस मेरे नाम कर दीजिए, वरना पहचानते ही होंगे आप मुझे। हमारे एरिया में आके हमें धमकाता है, अथू साला तू जहाँ खड़ा है ना, देख हमारे सिपाही दो गोली चलाएंगे तू खत्म हो जाएगा। हाँ ये क्या था बेटा, बाप से तो लगो मत, ठीक है, मैंने तुझे क्या बोला, गुलाब लो और स्वीकार करो, मुझे देरी पसंद नहीं है। मैंने एक बार बोला गुलाब लो, अगर तुमने गुलाब लेना चाहा होता हम छोड़ देते तुम्हें, लेकिन बेटा हम हैं बहुत हरामी, चल पीछे चल। अभी तूने देखा है परगेटरी पर राज कर रहा हूँ, कुछ दिन देखना सारा बरमूदा सारा कलहरी मेरे नाम होगा, और बेटा बाप से अच्छे से बात करने का। ऐसे ही करते करते राजवीर ने पूरा परगेटरी अपने नाम कर लिया। राजवीर की एक खास बात थी, राजवीर को देरी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। धीरे धीरे करके राजवीर ने पूरे परगेटरी पर राज कर लिया, सिर्फ बजा था तो ब्राजीला, उसने ब्राजीला पे बिल्कुल भी राज करना नहीं चाहा क्योंकि उसका दोस्त वहाँ राज करता था, उसने खुशी खुशी ब्राजीला को उसके नाम कर दिया। क्या आपका फ़ोन बहुत लैग करता है? क्या आप बहुत सारे नोटिफिकेशन से परेशान हो? क्या आपका मोबाइल हीट हो जाता है? तो डाउनलोड करो नॉक सिक्योरिटी एप्लीकेशन को, जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो या फिर लिंक की डिस्क्रिप्शन में वहां से। सो गाइस, जैसे आपके आज तीन कमाल के फीचर्स बताने वाला हूं। पहला है स्कैन, अगर फोन आपका बहुत ज्यादा लैग कर रहा है या फिर वायरस है तो आप इस ऐप के फीचर को यूज करो, जिसके थ्रू आपका सारा लैग या फिर वायरस खत्म हो जाएगा और आपका फोन बिल्कुल स्मूथ रन करेगा। दूसरा फीचर है आपका सीपीयू कूलर, अगर आपका फोन होता है हीट तो तुरंत से डाउनलोड करो इस ऐप को, इस फीचर को यूज करने के बाद आपका फोन एकदम नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएगा और आपका फोन हो जाएगा एकदम कूल। तीसरा फीचर और भी कमाल का है, नोटिफिकेशन ब्लॉकर, अगर आप गेमिंग करते हो या फिर कुछ अर्जेंट काम पे बिजी हो, अगर आपके नोटिफिकेशन आके बार बार आपको प्रॉब्लम फेस करवा रही है तो आप तुरंत से इस फीचर को इनेबल कर लो, जिसके थ्रू सारे नोटिफिकेशन ब्लॉक हो जाएंगे, तो अभी स्किप मत करना। एक और कमाल का चीज़ बताने वाला हूँ आपको। सो गाइज, अभी नॉक सिक्योरिटी पे चल रहा है एक कमाल का गिव अवे, हो सकते हो आप भी लकी विनर, तो 5-स्टार रेटिंग के साथ वहाँ आपको कमेंट करना है #NOX2020। सो जाओ जल्दी से डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। राजवीर बहुत दिनों बाद जाता है डॉन से मिलने, डॉन उसे देखकर बोलता है आजा नीचे वाले कमरे में। सीधा राजवीर जाता है और उनके नौकरों से पूछता है, क्या हाल है भाई, सब कुछ सही चल रहा है? वो लोग भी जवाब देते हैं, हाँ सही चल रहा है, क्या हाल है तुम्हारा भाई? इधर पे पूछता है कैसा हाल है। उसके बाद सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक डॉन बोलता है, अरे रे तुझे मारने के लिए मेरा दिल तो बहुत दिनों से खली बली हो रहा था, आज आया उठ पहाड़ के नीचे घेर लो रे से। यार तुम इतने गिरे हुए हो सकते हो? कसम से बता रहा हूँ ना, बिल्कुल ये भरोसा नहीं था मुझे तुम इतने गिरे हुए हो सकते हो। यार कम से कम अगर तुम्हें कुछ मुझसे प्रॉब्लम था तुम बता देते, मैं तुम्हें मतलब जो मांगते ना वो देने के लिए तैयार था। ये भाई दोस्ती के बीच में ये सब सही नहीं है, और ये गन वन दिखा रहे हो ना ये अच्छा नहीं कर रहे हो, तुम्हारे लिए बुरा हो सकता है इससे। राजवीर को धोखा दे दिया था डॉन ने, डॉन के सारे आदमी से घेर लेते हैं। राजवीर को एक ही तरीका दिखता है बचने का, वो है गन निकाल कर दो किसी को मार कर भागने का। राजवीर सीधा गन निकालता है और मारने का ट्राई करता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके लोग बहुत ही तेज थे और इनके लोग इतने ट्रेंड थे कि तुरंत उसे पकड़ लेते हैं, उसे भागने नहीं देते और चारों तरफ से घेर लेते और बोलते हैं, अरे गन फेंक साला, अरे गन फेंक साले मारूंगा एक थप्पड़ साला, समझ में आता है तुझे कुछ? हाँ बेटा ऐसे ही बोल रहा था मैं तेको करने को। राजवीर चारों तरफ से घेरा जा चुका था, डॉन उसे एक रूम में बंद कर देता है और दो लोगों की इसकी जिम्मेदारी सौंप कर चला जाता है नीचे। रात हो चुकी थी, खिड़की भी खुली थी। राजवीर देखता है दोनों सिपाही सो गए, वो तुरंत खिड़की से कूद जाता है और मन ही मन बोलता है, कुछ को हकीकत और कुछ को ख्वाब करना है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका हिसाब करना है, ये बदला महंगा पड़ेगा तेको बेटा। राजवीर अगले ही दिन बदला लेने के लिए गुस्से में आ जाता है और बोलता है, तुम्हारे लाश पे फूल भी चढ़ेगी, तुम्हारे लाश पे माला भी चढ़ेगा, क्योंकि तुम्हारा बाला आज तुम्हारे सीने पे चढ़ेगा। राजवीर का माथा तो वैसे भी सटका हुआ था, वो धीरे धीरे करके सबको एक एक करके मारने लग जाता है, तभी अचानक से उसे एक गोली पड़ जाती है क्योंकि उसे डॉन देख लेता है।
डॉन राजवीर को मारने के लिए नीचे कूद जाता है, लेकिन डॉन वापस से कवर में चला जाता है। यहाँ पे राजवीर धीरे धीरे करके सारे सैनिकों को मार जाता था। वो गुस्से में बोल रहा था, बेटा जो बोला तुम्हारा बाला तुम्हारे सीने पर चढ़ के रहेगा। तभी फिर से डॉन इस पे आक्रमण करता है और इसके बाद इसके सारे सिपाही राजवीर पे हमला कर देते हैं। लेकिन राजवीर भी अच्छी खासी ओम चला लिया करता था। उसके बाद देखते हैं जब मेन सिपाही आता है राजवीर के सामने तो होता है क्या। ओए चल निकल, मेरा एटीट्यूड मेरा अपना है, जो तू जैसे के लिए एक सपना है। राजवीर उसके मेन आदमी को भी मार देता है और सीधा उसके किंग को भी मार देता है और बाद में बोलता है, इफ यू ट्रीट मी लाइक अ किंग आई विल ट्रीट यू लाइक अ क्वीन, बट इफ यू ट्रीट मी लाइक अ गेम आई विल शो यू हाउ एक्चुअली इट इज प्लेड। आखिर बन गया मैं परगेट्री का किंग, डोंट ट्राई टू शो योर एटीट्यूड अदरवाइज आई विल शो यू योर प्लेस। तो वीडियो कैसी लगी, बाय लोग, पार्ट 4 चाहिए, कमेंट करके बताओ, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो यार, करते ही नहीं हो तुम लोग यार।